बसल जी, आप काम गिनवा रहे थे केंद्र के या राज्यों के? राज्य के पांच काम गिनवा रहे थे। राज्य के तो सारे ऑल वेदर रोड कौन बना रहा है? लोकायुक्त। लोकायुक्त की जरूरत नहीं, कोई हम चार्ज तो लगाए। उनका सपना था ईमानदार सरकार देना, लोकायुक्त की जरूरत नहीं है। नहीं तो पूरा पहले वाले को हटाने के लिए विधायकों की सहमति बनी होगी। उपलब्धि के बीच में कहीं ये रोड़ा बनाओ, मुख्यमंत्री बदलना, तो वो बताओ। इस बात की क्या गारंटी कि धामी ही कंटिन्यू करेंगे? नहीं, गारंटी तो किसी की भी नहीं। आज रात को मैं सोता हूँ, सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा क्या पता। हरक सिंह रावत के जाने का अफसोस है आपको? और यशपाल आर्य भी तो चले गए। मैंने कहा ना, जो चला गया उसकी क्या बात करनी, रात गई बात गई। अच्छा, किशोर उपाध्याय पसंद है आपको? कैसे नेता, कमिश्नरी तो कर दी थी आप लोगों ने घोषित, लेकिन फैसले वापस। कई बार होता ना, जिले को जिला बनाना इतना आसान काम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दो कदम। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सुभाष गौड़। आज बात होगी दो के दम में एक ऐसी शख्सियत की जो उत्तराखंड की सियासत में संगठन, बीजेपी के संगठन के रणनीतिकारों में से एक रहे। संगठन के साथ साथ अब तजुर्बा राज्यसभा सांसद का भी है। जी हां, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। नमस्कार बंसल जी, संगठन के स्तर पर तो खूब आपने मेहनत की है, अब राज्यसभा एक नई बारी के साथ आप उत्तराखंड की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से चुनावी रण में जाना है। 2017 का मुझे याद है कि आपने पर्दे के पीछे रहकर निर्णायक भूमिका निभाई थी, अब राज्यसभा सांसद हैं, आकलन अब राज्यसभा सांसद के तौर पर भी होगा बंसल साहब, आपका तैयार है? हाँ, राजनीति में जो दायित्व मिलता है उसका निर्वहन होता है और उसके रिपोर्ट कार्ड के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन नारा 60 के पार दिया आपकी बार। हाँ बिल्कुल, 60 के पार पूरा होगा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, ज्यादा 57 दोन थे, तो अब 60 रख दिया आप। अब 60 पार करना है। आधार क्या है? आधार हमारा संगठन, हमारा 5 साल का काम, डबल इंजन की सरकार के विकास कार्य, जनता का निरंतर हमको मिलने वाला आशीर्वाद। बंसल जी, जनता तो पूछती होगी ना आपसे कि आपने 5 साल 5 काम तो गिनवा दीजिए, उत्तराखंड में आपने क्या किया? मैं काम गिनवाने लगूंगा तो घंटों लग जाएंगे, आपका आधा घंटे का इंटरव्यू कम पड़ जाएगा। नहीं, केंद्र के मत गिनवाइए, राज्य के गिनवा दीजिए। डबल इंजन की सरकार में केंद्र का सहयोग है। बसल जी, आप काम गिनवा रहे थे केंद्र के या राज्यों के? राज्यों के। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के भी जो है, केंद्र केवल फंडिंग करता है, कार्य उसका हम ही करते हैं। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देती है। राज्य के 5 काम गिनवा दीजिए। राज्य के तो सारे ऑल वेदर रोड कौन बना रहा है? पूरा राज्य के अंदर बन रही है। नहीं, केंद्र सरकार के अलग, केंद्र की फंडिंग हो सकती है लेकिन काम तो स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है। लेकिन ऑल वेदर तो पीएम नरेंद्र मोदी का सपना था, तो उन्होंने ऐसा कर दिया था। गवर्नमेंट ने हमारे स्टेट के अंदर भी 20 महीने से हमने फ्री राशन दिया है लोगों को, वैक्सीनेशन फ्री दिया है, किया है ना हमने सारा। हम पूरे देश भर में 100% करने वाले, फर्स्ट डोज हम पहले 3 राज्यों में है। नहीं, टीका तो पहले भी फ्री लगता था ना, जब भी कोई महामारी आई, इस तरह की महामारी, कभी भी जो महामारी आई उसका तो टीका ही आपको 20 साल के बाद मिला, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर हो गया, दूसरे देशों के, पहली बार अपने वैक्सीन बनने के बाद और 9 महीने के अंदर मिली है, तो पहली बार मिली है देश के अंदर और फ्री सबका हुआ है। पहले तो ढूंढते रहते थे कहां मिलेगी, और जो आज कह रहे हैं, पहले कोई कह रहा था मोदी जी की वैक्सीन है नहीं लगवाएंगे, कोई कह रहा था कि उनकी स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं हम खरीदेंगे, नहीं खरीद पाए, फिर हमने ही किया सब, सब आपने किया और क्या। अच्छा सर, 3 मुख्यमंत्री आप लोगों ने बदले, 3 मुख्यमंत्री के एक एक काम तो होंगे कोई जो राज्य के लिए बेहतर काम करते हो, जनता के लिए? जितने हमने ट्रांसपेरेंट सरकार दी, हमने डिसीजन लेने वाली सरकार दी, हमने सचिवालय को दलालों से मुक्त किया, चाहे हमारा एक मुख्यमंत्री था चाहे तीनों थे, तीनों के कार्यकाल में हमने ही यहाँ पर, अब आपको काम गिनाता हूँ सबसे पहला। नहीं आपने कहा, सुनो आप कामों के लिए सुनो, आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट, लेकिन अंतिम समय में मैं बता रहा हूँ, लोकायुक्त की जरूरत नहीं, कोई हमें चार्ज तो लगाए। क्यों, खंडूरी जी का कोई चार्ज नहीं आया? खंडूरी जी तो लोकायुक्त की जरूरत क्या, उनके जमाने में लोकायुक्त भी बना और लोकायुक्त ने रिपोर्ट भी दी, उन पर कौन सा एक्शन लिया कांग्रेस ने अपनी सरकार में? आपने अच्छा सर, खंडूरी जी का सपना पूरा करेंगे, वो तो सपना था उनका, उनका सपना था ईमानदार सरकार देना, लोकायुक्त की जरूरत नहीं है, लोकायुक्त की जरूरत पड़ेगी तो वो भी लाएंगे, जज की जरूरत जब होती है, जब चोरी होती है, डकैती होती है तो कोर्ट में मार लिया जाते हैं। कौन तय करेगा चोरी हुई या नहीं? वो तो रिपोर्ट दर्ज होगी ना उसकी, तो मतलब लोकायुक्त की जरूरत नहीं आज आपको? अभी तक नहीं थी कोई भी जरूरत, अभी तक आगे भी हो सकता है ना पड़े, मतलब जब ईमानदार सरकार होगी, ट्रांसपेरेंट सरकार होगी, सबके सामने निर्णय होने वाली सरकार होगी, तो और कोई उस पर आरोप नहीं लगा रहा है।
उसका सर्टिफिकेट एक भी मंत्री मुख्यमंत्री पर किसी ने आरोप लगाया हो तो बताओ। अच्छा आप ही की सरकार, आप ही निर्णय करेंगे और आप ही बता रहे, आप ही डिसीजन करेंगे। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, उदाहरण देता हूँ, पांच काम बताएंगे आपको, उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस के जमाने में, हरीश रावत जी के जमाने में, ये बल्लीवाला का और बल्लूपुर का पुल बना, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 20 करोड़। पुल बनना था 4 लेन, पुल बना डबल लेन, कॉस्ट हो गई 40 करोड़। ये कहां गया? भ्रष्टाचार में गया। हमने टनल बनाई टाइम से 3 महीने पहले, 9 करोड़ रुपए बचाए उसमें। तो ये ट्रांसपेरेंट और ईमानदार सरकार है कि नहीं? अच्छा सूर्यधार, सूर्यधार झील भी, सूर्यधार की झील से तो आपको ग्रेविटी का पानी मिल रहा है अगले 50 साल तक, देहरादून में पानी। आप ही के, आप ही के मंत्री ने उस पर कहा कि इस पर घोटाला हुआ है, जांच के आदेश दिए। सतपाल महाराज ने कहा, कहा कौन सा स्टेटमेंट है? सतपाल महाराज जी ने बोला, नहीं बोला किसी ने, नहीं बोला। सतपाल महाराज ने आरोप लगाए जांच रिपोर्ट बनाने के लिए भी कहा। जांच हो गया पता लग जाएगा अगर हुआ हो, तो आज तक कोई जांच उसमें नहीं। अगर मंत्री ने कहा होगा तो जांच करा रहे होंगे ना, तो कब तक होगी? कोई बात नहीं है, तो मंत्री बताएंगे जिन्होंने जांच बताई होगी। अच्छा मेरे हिसाब से तो कोई घोटाला हुआ नहीं। अच्छा पांच काम गिनवा रहे थे आप, मैंने तो गिनाया ना आपको। आप त्रिवेंद्र सरकार का गिनवा रहे, तीरथ का या फिर धामी जी? 5 साल की उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने काम किए हैं उतने काम कांग्रेस ने 10 साल में नहीं किए। और कांग्रेस के जमाने में जो भेदभाव हुआ हमारे में नहीं हुआ। अब गिनाता हूँ भेदभाव, 55 साल के अंदर 1 एम्स था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अटल जी की सरकार आई और यहां पर तिवारी जी की सरकार थी, हमने भेदभाव नहीं किया, तब भी अटल जी ने हमको एम्स दिया, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया। लेकिन 2007 में क्या हुआ? एम्स तो आप ही के नेता एडमिट तक नहीं हो पाए। कौन नहीं एडमिट हो पाए? कौन नहीं एडमिट हो पाए? गांववासी सब एडमिट हो पाए। गांववासी जी को बेड नहीं मिला था। अरे अगर बेड अगर कब पड़ गया तो उसमें कोई क्या दिक्कत है? हमारी सरकार ने कोई वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं दिया ना किसी को? आम आदमी का बेड हटा के तो नहीं दिया किसी को? बेड है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अच्छा इसमें क्या बात हुई? आप पांच काम, आप पूरी बात सुनिए ना जो मैं कह रहा हूं। दूसरा, 2007 में हमारी सरकार आ गई, वहां कांग्रेस की सरकार हो गई, बदल गई ना सरकार। तो कांग्रेस ने कितना बड़ा भेदभाव किया, एक पैसा एम्स के लिए नहीं दिया। ये भेदभाव नहीं है। इंडस्ट्रियल पैकेज जो हमारा 2013 तक था, 2003 में इनकी सरकार में अटल जी ने लिया, वो 2010 में खत्म कर दिया। हमने संघर्ष किया तब उसको रिवाइव कराया। तो इतना तो भेदभाव कांग्रेस करती रही। राज्य अटल जी ने बनाया है और मोदी जी के नेतृत्व में हम संभाल रहे हैं। लेकिन सर, लेकिन 400 करोड़ रुपए लगा करके पांच काम नहीं गिनवाए अभी तक। हमने ये काम में और क्या गिनवा रहा हूं? ये तो आप बता रहे कि कांग्रेस ने भेदभाव किया। टनल काम नहीं है, केवल 2 ही काम गिनवाए सर अभी तक। अभी आप कह रहे फ्लाईओवर, अब आप कह रहे 2 ही गिनवाए, फिर आप पुरानी बातों पर चलेगी। कांग्रेस ने भेदभाव किया। आपके उसमें नेशनल हाईवे 74 में क्या हुआ? हमने उसके करप्ट करने वालों को जेल के अंदर भेजा। कहा कौन गया? क्यों नहीं, क्यों? हमने 1.5 दर्जन लोगों को भेजा। मंत्री कौन? डीएम है। आप मंत्री कहते, मंत्री आएगा तो फंसेगा, वो भी जाएगा। नहीं, कौन? लेकिन डीएम एसएसपी जो डीएम एसडीएम दूसरों को जेल भेजते हैं उनको उसमें जेल जाना पड़ा। और हमारी सरकार, मतलब मंत्री को मालूम ही नहीं था कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। अब ये तो मंत्री बताया, जांच में जो आएगा वो जाएगा। तो मंत्री कहां गए? मंत्री आया नहीं ना उसमें, आएगा तो जाएगा। मतलब मंत्री के बिना अब जांच, जब अभी जांच पूरी हुई कहां? अभी तो जांच चल रही है ना। अच्छा पांच काम जो आएंगे उसमें आएंगे। अच्छा सर वो डीएम कौन थे जो जेल गए? कौन? एसडीएम तो थे ना, 2 एसडीएम गए उसमें जो आप डीएम कह रहे हैं वो तो डीएम, एसडीएम मतलब प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी तो आज काम कर रहे हैं सचिवालय में, बैठ जाते हो। अभी तो सचिवालय में काम कर रहे हैं, अभी वो सचिवालय में काम कर रहे हैं आपके। स्कॉलरशिप में हमने कितने लोगों को जेल भेजा है, जमानत पर है लोग। छात्रवृत्ति घोटाला भी तो हुआ। हाँ तो उसी में तो कह रहा हूँ, हमने कितने लोगों को कोई मजा हमने भेजा है एसआईटी में करके। मंत्री तो आज तक कभी कोई जेल नहीं गया भाई। मंत्री अगर आएगा तो मंत्री का कहीं उस पर आएगा फाइल पर, तो वो भी जाएगा। जांच चल रही है, जांच कौन करेगा? पूरी कहाँ हुई? वही तो बात थी, सरकार में, सरकार के मंत्री की जांच करेगा कौन? कौन करेगा? वो तो पुलिस, कानून सबके लिए बराबर है। तो लोकायुक्त कानून में ऐसा नहीं है। आज तक देश के अंदर मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री वो भी जेल गए हैं कानून में। अच्छा लोकायुक्त ना बना, कानून में किसी को बख्शा नहीं है। बंसल जी, लोकायुक्त ना बनाने का अफसोस है आपको? किसको? कि 5 साल में आप लोकायुक्त? नहीं, मुझे तो ये खुशी है कि मेरी सरकार, मेरी पार्टी की सरकार ने पारदर्शी तरीके से निर्णय लेकर ईमानदार सरकार चलाई जिसमें लोकायुक्त की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आवश्यकता, चलिए आप मुझे काम तो गिना दीजिए। पांच काम जा ही नहीं पाए। पांच काम बंसल जी आपकी डबल इंजन की सरकार में, तीन मुख्यमंत्री होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तीन काम तो सारे होते। हम जब सरकार में आए तो स्वास्थ्य का बजट 763 करोड़ रुपए था।
हमने बढ़ाकर उसका 4 गुना 3400 करोड़ रुपए किया, 4 गुना। जब हम सरकार में आए 1000 डॉक्टर थे, आज 2500 से ऊपर डॉक्टर हमने किए, नर्सिंग स्टाफ हमने बढ़ाया। ये काम नहीं है क्या? डेवलपमेंट के काम किए, रोड्स बनी है सब, चाहे वो नेशनल हाईवे की बनी चाहे स्टेट हाईवे की बनी है, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ये सब हमने स्ट्रॉन्ग किए। आज हमारे जमाने में आपका जोलीग्रांट का एयरपोर्ट, जो पहले 250 पैसेंजर पर आवर की जिसकी कैपेसिटी थी फुटबॉल था, आज वो 1200 हो गया। सेकंड फेज अभी बन रहा है, वो 1800 हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सब काम ही तो है। आज सारे आपको यहां से जाइए, मतलब हरिद्वार तक जाने में 3-3 घंटे लगते थे, 4-4 घंटे, आज हम 45 मिनट में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यानी केंद्र की योजनाओं को लेकर ही आप, अरे भाई केंद्र की योजनाएं भी तो डेवलपमेंट की योजनाएं है, करता तो स्टेट है, स्टेट की गवर्नेंस में होती है। मेरी स्टेट के अंदर हो रहा है ना डेवलपमेंट, तो मेरी स्टेट का है, डिपार्टमेंट तो मेरा देख रहा है। अच्छा बतौर राज्यसभा सांसद बंसल जी ने राज्यसभा में कितनी आवाज उठाई उत्तराखंड? मेरे राज्यसभा में अब तक लगभग 50 के करीब मैं क्वेश्चन लगा चुका हूं, जिनके जवाब आए हैं। जवाब सबके आए, सबके आए, जो ओरल भी लगे हैं और स्टार वाले भी लगे हैं। बंसल जी की क्या उपलब्धि रही? मेरी उपलब्धि, मेरे ये है ना सवाल, पहली बात तो आपको मैं बता दूं, जब से मैं सांसद बना हूं 3 सत्र हुए हैं जी, 3 में से लगभग 2 सत्र तो कोरोना में चले गए, 7 ही नहीं हुए। नहीं, और सुना बता रहा हूं, इतना व्यक्तिगत रूप से मैं वही बता रहा हूं, और बंसल जी करू वालों में से हैं, करने वालों में से, मैं बता रहा हूं, इसलिए आपसे रिपोर्ट कार्ड मांग रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि और 1.5 बाकी का जो 1.5 सत्र है वो विपक्ष की कृपा से हंगामे में चला गया। यानी मैंने सवाल लगाने का मुझे मौका मिला, मैंने सवाल लगाए, लेकिन मुझे अभी तक मेडन स्पीच देने का मौका नहीं मिला, मेरी मेडन स्पीच नहीं हो पाई विपक्ष की कृपा से। कई बार जब मुझे बोलने के लिए कहा मेरी पार्टी ने, तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया, नहीं हुआ, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे हर उस पर प्रश्न, अभी सत्र शुरू हो रहा है, चुनाव है, शायद हम कम जा पाए, हमारी स्टेट में चुनाव है, लेकिन हमारे प्रश्न लगने शुरू हो रहे हैं, प्रश्न के उत्तर आते। चलिए संगठन की काबिलियत, स्टेट की समस्याओं पर होते हैं। बंसल जी संगठन की काबिलियत में जानता हूं, और पूरा उत्तराखंड जानता है कि बंसल जी संगठन के नजरिए से क्या कर सकते हैं और क्या किया है, लेकिन बतौर राज्यसभा सांसद बंसल जी ये तो बताएंगे कि मेरा विजन ये है, मैं ये लेकर चल रहा हूं, मैं उत्तराखंड में ये लेकर आऊंगा। मेरा विजन ये है कि 2025 में जब 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा, तो देश के सबसे अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड होगा। उसके लिए केंद्र की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है, और डबल इंजन की सरकार जो जो सहयोग कर रही है वो हर प्रकार के प्रोजेक्ट में सहयोग का एक एजेंडा तो होगा ना। मेरा हमारा एजेंडा बता तो रहा हूं, मिशन हमारा एजेंडा है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, पलायन यहाँ से रुके, यहाँ पर डेवलपमेंट हो, किसानों की आमदनी बढ़े, मजदूरों को रोजगार मिले, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। 20 साल पुरानी बात बोल रहे हैं, तो आप नहीं बताओ इसमें क्या होगा? आप विजन बताइए ना, आपका विजन ही तो बता रहा हूँ आपको जी। विजन मेरा है कि उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो देश के अग्रणी राज्यों में होगा। वो कैसे होगा? जब यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं इस साल की, इस बार के मैनोफेस्टो कमेटी में भी को कन्वीनर हूं, और आज मैनोफेस्टो हम लोग बैठ के फाइनल कर रहे हैं उसको भी फाइनल। हमारा मैनिफेस्टो आएगा, दृष्टि पत्र आएगा, आपको पता लगेगा हमारा विजन क्या है। अच्छा सर, गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे? क्योंकि पिछली बार गैरसैंण को राजधानी ग्रीष्म हमने ही बनाया, स्थाई राजधानी जब डेवलपमेंट हो जाएगा उतना तब उसका मामला सॉल्व हो जाएगा। राजधानी तो है ना, ग्रीष्म राजधानी बनाने का मतलब ग्रीष्म स्थाई नहीं होती क्या? तो ग्रीष्म कितने अधिकारी गए आपकी सरकार में वहाँ? हमने वहां पर सत्र भी किया है, सब कुछ किया जा रहा है। केवल सत्र 7 दिन का सत्र, बुनियादी ढांचा तो उतना हो जाए। सत्र में ही लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा कि 2 दिन पहले खत्म कर दो, अभी उतना बुनियादी ढांचा बनाने में समय लगे। लेकिन बन रहा लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल हो, आम आदमी पार्टी हो, या कांग्रेस के नेता हो, कहते हैं कि सत्ता पक्ष के नेताओं को सर्दी ज्यादा लगती है, उनके अधिकारियों को सर्दी ज्यादा लगती है, इसलिए गैरसैंण राजधानी। अभी उनको अनुभव नहीं है ना, क्योंकि उनको वहां जाने का मौका ही नहीं मिला, और वो मिलने वाला भी नहीं है। तो पत्थर तो कांग्रेस की सरकार ने लगाया था, तो पत्थर लगने से ही हो जाता है क्या? उसके बाद डेवलपमेंट तो हमने किया, उसे डेवलपमेंट आपने किया गैरसैंण में। हरीश रावत कह रहे बिल्डिंग में बना के गया था, केवल पेंट करने का काम बीजेपी सरकार ने मांगा। चलो इतना ही मानते हैं, तो उनके हिसाब से पेंट तो हमने किया ना, हमने किया ना। अब उनकी आदत सब जानते हैं, वो क्या बोलते हैं। उन्होंने इतना माना, ये भी उनका बड़ापन कहता हूं मैं, उन्होंने माना कि हमने पेंट किया। चलिए तो वो तो ये भी कह देते हैं। ये तो आपके विजन की बात हो गई,
अब क्योंकि आपने तीन तीन मुख्यमंत्री दिए, जनता को ये वाली उपलब्धि बता रहे हैं कि नहीं? हम सारी चीज मुख्यमंत्रियों से कोई अड़चन आई क्या? बराबर हमारा जो विजन है, पार्टी का जो डॉक्यूमेंट है, पार्टी का घोषणा पत्र है, उस पर काम कर रहा है। अच्छा, हमने हमने कहा कि हम किसानों को ऋण मुक्त ब्याज देंगे, ब्याज मुक्त ऋण देंगे। हमने 3 लाख रुपए तक इंडिविजुअल किसान को बिना ब्याज के लोन मुहैया किया। स्वयं सहायता समूह को हमने 5 लाख तक बिना ब्याज के दिया। हम घसियारी योजना लेकर के आए हैं, हमने दूध में 4 रुपए लीटर तक का बोनस दिया है। तो सब तरफ से कैसे आय बढ़ सकती है? आज ऑर्गेनिक स्टेट में हम तो आय दुगनी होगी किसानों की। हम बढ़ रही है ना धीरे धीरे आय। नहीं तो आपने कहा था आय दुगनी करेंगे ना, हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो कर रहे हैं, जो जो करना है, घसियारी योजना में हम यही लाए कि उनके सिर का बोझ खत्म हो जाए और उनके घर पर पशुपालकों को घास मिल रही है सर सबको। अब यार अभी तो स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होकर मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी? अभी हमारी सरकार दोबारा बनेगी, उनके घर तक पहुंचाएंगे हम। अच्छा, आप उपलब्धि किसानों के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं, वो जो 700 किसान शहीद हुए, वो कौन से शहीद हुए? हमारे स्टेट में तो कोई शहीद नहीं हुए। 700 किसान जो बॉर्डर पर शहीद हुए, अब बॉर्डर पर जो हुए जो बता रहे हैं, आंदोलन में हुए, किस तरह से हुए, कोई सरकार ने तो उनको किया नहीं। आंदोलन में करते हुए कोई बात हुई तो सरकार उसका संज्ञान लेगी। तो आप नहीं मानते कि 700 किसान शहीद हुए? अब मैं इस आंकड़े के ऊपर नहीं जा रहा हूं, कोई भी हुआ हो तो उसके लिए मुझे, उसके प्रति मेरी संवेदना है और मैं अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं जो हुआ। अच्छा, क्योंकि सुभाष भी यही जिक्र कर रहे थे और हम भी, आपने कहा तीन तीन मुख्यमंत्रियों का कोई अड़चन नहीं आई। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से हमने पूछा था कि आपको क्यों हटाया गया, वो कह रहे थे कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों हटाया गया। तो बंसल जी जब क्षेत्र में जाते हैं तो बतौर राज्यसभा सांसद जनता पूछती होगी आपसे कि बंसल जी त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया गया, तो आप क्या बोलते हैं? मेरे से कोई जनता नहीं पूछती, आप जैसे केवल पत्रकार पूछते हैं, बाकी जनता जानती है। जनता को काम चाहिए, काम बराबर हो रहा है, एक दिन भी किसी मुख्यमंत्री के बदलने से काम रुका नहीं है। तो उनको और जो प्रगति के काम है, प्रगति। अच्छा सर, क्यों हटाया गया था? आप कह रहे जब कोई अड़चन नहीं आई उन तीन मुख्यमंत्री में, तो क्यों हटाया? हम जानना चाहते हैं हटाना क्यों होता है, हटाना क्या है इसमें? पार्टी के विधायकों की सहमति से मुख्यमंत्री बनता है, हाईकमान और मिला करके, हाईकमान को और विधायकों को लगा कि अब हमको बदल लेना चाहिए तो बदल लिया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया, आपको क्या परेशानी हो रही? अच्छा, तीरथ सिंह रावत भाजपा का मामला है, भाजपा ने किया। तीरथ सिंह रावत घर का मामला है, आपने कर दिया, लेकिन क्या विधायकों की मर्जी सहमति? विधायकों की मर्जी के बिना तो कभी होता ही नहीं। तो विधायक चाहते थे कि बदलें? नहीं, विधायकों की मर्जी से ही दूसरा मुख्यमंत्री बना होगा। नहीं तो पूरा पहले वाले को हटाने के लिए विधायकों की सहमति बनी होगी। वो तो जो बनी होगी वो तो हाईकमान के साथ चर्चा करके होता है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें आप उलझाने की कोशिश करो। अच्छा चलिए ठीक है, तो फिर तीरथ सिंह रावत को क्यों हटाया आपने? तीरथ, मैंने कहा ना ये हमारा मामला है, तीरथ सिंह जी को हटाया, हमने एमपी थे हमारे आए, हमने कहा एमएलए में से बनाना चाहिए, एमएलए में से बनाया। 110 दिन बाद। हाँ तो क्या हो गया, हम 10 दिन बाद भी बना सकते थे। तो ये आपकी उपलब्धि है, क्यों इसमें वो क्या है उपलब्धि से, इसका क्या मतलब है? नहीं, मुख्यमंत्री बदलना, इसके कारण से कोई डेवलपमेंट का काम रुका हो तो मुझे बताओ, इसके कारण से होने वाली उपलब्धि कोई ना हो पाई हो तो वो बताओ। तो अब इस बात उपलब्धि के बीच में कहीं ये रोड़ा बनाओ मुख्यमंत्री बदलना तो वो बताओ। तो इस बात की क्या गारंटी कि धामी जी ही कंटिन्यू करेंगे? नहीं, गारंटी तो किसी की भी नहीं। आज रात को मैं सोता हूं, सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा क्या पता है। तो मतलब धामी जी की भी कोई, धामी जी के नेतृत्व में हम जा रहे हैं, धामी जी हमारे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, जिसके नेतृत्व में लड़ते हैं, सरकार आएगी तो वही बनेगा, स्वाभाविक है। लेकिन एक प्रक्रिया है उसकी, विधायकों की बैठक। अच्छा, मतलब विधायक अपना नेता चुनेंगे, चुनाव के मैदान में पुष्कर सिंह धामी का चेहरा होगा, लेकिन बाद में विधायकों ने इनकार कर दिया तो चेहरा बदल जाएगा। इनकार करने के बाद ही आप अपनी तरफ से काल्पनिक प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आप ही कह रहे थे त्रिवेंद्र रावत को। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के बनने के बाद, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम जा रहे हैं, हमारा पूरा घोषणा पत्र सब धामी जी के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमारा बहुमत आएगा, सरकार बनेगी तो स्वाभाविक रूप से विधायक भी उन्हीं को चाहेंगे। अच्छा एक सवाल, लेकिन एक प्रक्रिया है कि विधानमंडल दल का नेता चुना जाता है। ओके, वो हरक सिंह रावत के जाने का अफसोस है आपको? अब रात गई बात गई, हरक सिंह जी अब है नहीं, चले गए, इसलिए अफसोस और खुशी का कोई प्रश्न नहीं। क्यों, वो तो बड़े नेता है ना, कद्दावर नेता, वो कहते थे कि मैं चुनाव में पता लगेगा कौन कितना बड़ा मंत्रालय मेरे जूते की नोक पर, आपने भी सुना होगा। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, जो वो कहते थे वो हमसे पूछ। आपको अफसोस है आपके कितने कद्दावर नेता थे ना? नहीं, मैंने कहा ना, जो है वो कद्दावर है, जो चला गया वो चला गया। वो चला गया,
और यशपाल आर्य भी तो चले गए। मैंने कहा ना जो चला गया उसकी क्या बात करनी, रात गई बात गई। तो उनके कुछ आएंगे अभी या कुछ उम्मीद है? आएंगे तो आपको पता लगेगा, मैं तो ज्वाइनिंग स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, इसलिए जिनको ज्वाइन कराते हैं सब आपको, आप लोगों को बुला के बताते हैं। अच्छा, किशोर उपाध्याय पसंद है आपको? कैसे नेता? जो हमारी पार्टी में रहेगा हमको पसंद है, जो हमारी पार्टी में नहीं राजनीतिक रूप से वो हमारा प्रतिद्वंदी है। उनकी तो रात के अंधेरे में आपके नेताओं से मुलाकात करती हुई तस्वीरें आई थी। अब ये तो वो बताएंगे जिनसे उन्होंने मिले थे, मुझसे तो मिले नहीं। आपसे मुलाकात नहीं? कैसे लगेगा किशोर जी आ जाए तो? लोकतंत्र के अंदर जो भी आते हैं 10 वोट बढ़ते हैं तो दिक्कत क्या होती है, वोट बढ़ते हैं ना 10 लोकतंत्र में। हेड साहब उनका वेलकम कर रहे हैं, आइए। नहीं, मैं अभी किसी का मैं वेलकम नहीं कर रहा हूं, जब आएगा तो कोई हमारी पार्टी में आ जाएगा तो वेलकम है। जो हमारे नेता पर, हमारी नीति पर, हमारी नियत पर विश्वास करता है, हमारी नीतियों को समर्थन करता है, उसका स्वागत है। विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र किया, जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत हूंगा उसको आप करेक्ट करिएगा। बंसल जी, 2017 में शायद विजन डॉक्यूमेंट जो तैयार हुआ था बच्ची सिंह रावत जी ने तैयार किया था, अगर मैं सही हूं तो। बिल्कुल ठीक है। बच्चीदा ने जो विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखा था, क्योंकि आप भी मेरे घनिष्ठ हैं, वो भी मेरे घनिष्ठ है, बहुत सज्जन व्यक्ति रहे, उन्होंने जो कल्पना विजन डॉक्यूमेंट में उतारी संगठन के अंदर, आप लोग कितनी पूरी कर पाए? हमने 90% काम अपने विजन डॉक्यूमेंट के पूरे किए, पूरे किए, और जो अब चल रहे हैं आगे करेंगे। आपने जिलों का निर्माण नहीं किया, उसमें जिलों का जिक्र था। तो मैंने 90% कहा ना, 10% में कुछ तो रहा ही होगा, मतलब ये जिले रहे, जिले भी रह गए। कमिश्नरी तो कर दी थी आप लोगों ने घोषित, लेकिन फैसले वापस ले। कई बार होता ना, जिले को जिला बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो फिर फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। 15 अगस्त 2011 निशंक जी ने कहा था ना, चार नए जिले बनाएंगे, हम उसको करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल कांग्रेस की भी तो सरकार है, उसके बाद 5 साल आप भी तो आए, तो अब भी तो 5 साल। हाँ, तो हमको लगा कि हम द्वारा परिसीमन वगैरह सब हो रहा है, उसके बाद देखेंगे, फाइनेंशियल भी उसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व। अच्छा, मैं विजन डॉक्यूमेंट पर ही आता हूँ। आपने अपने विजन डॉक्यूमेंट में या घोषणा पत्र जो भी आप नाम देने जा रहे हैं, क्या आपने जनता के सामने अब ये रखने जा रहे हैं कि भाई इतना तो हम बेरोजगार उत्तराखंड में है, उनको हम इतनी नौकरी देंगे? कुछ है, सब कुछ है उसमें। हमने जनता से सुझाव लिए हैं, 70 के 70 विधानसभा में हमारे एलईडी रद्द गए हैं, पेटिए गई है, हमको लगभग 78,000 ने क्या कहा, मैं बता रहा हूँ क्या सुझाव दिया बेरोजगारों ने। लगभग 78,000 सुझाव आए ऑनलाइन और मिला करके, उस सबके सुझावों को हमने समीक्षा किए, उसके आधार पर हम अपना जो विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, डॉक्टरों के, सबके लिए, सबके हित में, पूर्व सैनिकों के लिए, शिक्षकों के लिए, सबके हित में जो कुछ हम अपने बजटरी प्रोविजन में कर सकते हैं। हमने कोई ऐसा नहीं कि और पार्टियों की तरह जिनको पता है कि आना तो है नहीं, कुछ भी वादा कर लो, हमने जो वादा किया करेंगे, हमने उसकी पूरी कैलकुलेशन की है, कितना हम पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा और कितने हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पूरा विचार करके हम अपने डॉक्यूमेंट। अच्छा सर, 2017 का जो विजन डॉक्यूमेंट था उसकी कुछ चीजें तो नहीं जुड़ेंगी 2022 में? कोई ऐसी चीज रह गई होगी जो हमारी पहले हम नहीं कर पाए होंगे, तो उसको हम कंटिन्यूशन में आगे करेंगे। अच्छा, बेरोजगारों ने क्या सुझाव दिए थे आपको, जो आपने सुझाव? अब ये सुझाव तो मैं डॉक्यूमेंट को आपको पहले से कैसे खोल दूं, आपसे सुझाव हमने इन्वॉल्व किए। अच्छा, कितने रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं इस वक्त उत्तराखंड? हमने सब कुछ इन्वॉल्व किया है उसमें, उत्तराखंड में रजिस्टर्ड बेरोजगार, हम वो सारा आंकड़ा उसमें अपने डॉक्यूमेंट में देने वाले हैं। उनके लिए कुछ करेंगे बेरोजगार? हाँ बिल्कुल करेंगे, जो बेरोजगार है करेंगे सबके लिए। मैंने कहा ना सबके लिए, 9 लाख तो पंजीकृत है, मैंने कहा ना सबके लिए करेंगे। 5 साल में पूरे हो जाएंगे, 5 साल में बेरोजगारी दर जो 9 लाख बेरोजगार है, 9 लाख बेरोजगारों को आप रोजगार देंगे? हम तो अपना पूरा प्रयास करेंगे, करेंगे ना, हमारे डॉक्यूमेंट में होगा सब कुछ, और डॉक्यूमेंट को हम पूरा करेंगे, डॉक्यूमेंट के स्तर पर काम होगा। अच्छा, अब आगे चलते चलते कुछ और सवाल जल्दी से, जिनका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, कि ऐसी स्थिति में इफ और बट वाली कहानी आती है, आम आदमी पार्टी से कोई परहेज तो नहीं है ना? परहेज का मतलब? मतलब आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी का इस स्टेट में कोई वजूद नहीं है, आप उसका नाम क्यों मेरे सामने ले रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको फायदा होगा? नहीं, फायदा नुकसान है नहीं, हम तो अपने विजन पर, अपने नीति पर, अपने नेता के नेतृत्व में काम करते हैं, हम किसी के फायदे नुकसान के लिए नहीं करते। को बहुत फायदा हो रहा है आम आदमी पार्टी से। कौन कह रहे? कांग्रेसी कह रहे। अब ये उनसे पूछो, ये वो बताएंगे। वाकई में आम आदमी पार्टी बी टीम है आपकी? नहीं, हमारी तो कोई, हमारी बी टीम कैसे हो सकती है जो हमको क्रिटिसाइज करती है?
वो हमारी बी टीम कैसे हो सकती है? जो फायदा कांग्रेस को पहुंचा रही होगी तो कांग्रेस की बी टीम होगी, हमारी क्यों? कांग्रेस को वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचा, चलो उनकी बात मान ले, हमें तो फायदा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, हमें तो फायदा होना चाहिए, अगर वो ऐसा मान रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा कर्नल कोठियाल कैसे नेता है? अब ये तो जिस पार्टी ने बनाया वो बताएंगे। कर्नल कोठियाल अच्छे नेता नहीं है? नहीं, मैं अच्छे बुरे क्यों कहूंगा, जिस पार्टी ने बनाया उसने सोच समझ के बनाया होगा। अच्छा तीन तीन मुख्यमंत्री का जो विवाद है उनमें से सबसे कोई विवाद नहीं है, पहले शब्द सुधारिए। अच्छा चलिए मैं शब्द वापस लेता हूँ, विवाद कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं है, इसलिए आप लोगों ने हटा दिया होगा, या कोई विवाद नहीं है, हमने अपनी प्रक्रिया में बदला, आज भी हम तीनों सब इकट्ठे में। अच्छा सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन? हमारे तीनों मंत्री जितने दिन रहे तीनों मुख्यमंत्री बेहतर मुख्यमंत्री थे, इन तीनों में कोई तो बेस्ट होगा? ये बेस्ट तो जो इस समय बैटिंग कर रहा है वो इस समय के लिए बेस्ट है, मतलब धामी सबसे धाकड़ है। मैंने ये नहीं कहा, जो इस समय बैटिंग कर रहा है, जो क्रीज पर है और उसको अभी आगे भी बैटिंग करनी है, तो ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। तो चलिए बंसल जी थैंक यू सो मच, आपने बेबाक अंदाज से वही पुराने वाला लय दिखाई दिया मुझे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए वक्त निकाला। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिन्होंने बेबाक अंदाज से अपनी राय को रखा और सीधे तौर पर कहा कि इस बार 60 पार हर हाल में होगा, और अपनी उपलब्धियों के बारे में साफ तौर पर बताया कि राज्य के हित में डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी है। फिलहाल अब जनता तय करेगी कि यह डबल इंजन की सरकार क्या वाकई में उत्तराखंड को रफ्तार दे पाई या फिर जनता का नजरिया कुछ और है। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ को दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।